क्या कर रहे हो? गाड़ी है। किसके गाड़ी है? हमारा गाड़ी है। देखिए गाइस, ये गाड़ी चोरी कर रही है। नहीं, फाइनली हम लोग नर्सरी के अंदर आ चुके हैं और भैया यहाँ पे फूल तोड़े पूजा की बहन के लिए। इसमें है पनीर। आज मैंने पनीर की सब्जी बनाई है। आप लोग मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं और इधर में मैंने पूजा भी कर ली है। आप देख सकते हैं दीपक जल रहा है अभी, तो आप लोग भी भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं मस्त नहा धोवा के रेडी हो चुका हूँ, आई मीन फ्रेश हो चुका हूँ, और मेरा आज खाना भी बन गया है। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि आज मैंने लंच में क्या बनाया है, क्योंकि मैं आज नहाने से पहले ही बना लिया, क्योंकि नहाने से पहले अगर नहीं बनाते, नहाने के बाद बनाते तो पूरा पसीने से भींग जाते ऊपर से नीचे तक। इससे पहले मतलब खाना आज बना लिया, उसके बाद अभी नहा धोवा के उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। तो सो आज खाने में क्या बना है आप लोगों को दिखाते हैं। सो अभी चलते हैं किचन में और आप लोगों को दिखाते हैं कि खाने में क्या बना है। तो आप लोग को दिखाते हैं, सबर सबर कीजिए। आप देख सकते हैं गाइस, इधर खाना बनके मेरा रेडी है और खाने में क्या है इसमें। तो नॉर्मली खुल जा भाई, खुल क्यों नहीं रहे हो। इसमें है चावल, इसको सीधा कर देते, टेढ़ा हो गया। और इसमें क्या है वो आप लोगों को दिखाते हैं अभी, इसको भी खोलते हैं, रिवील करते हैं। गाइस, इसमें है पनीर। आज मैंने पनीर की सब्जी बनाई है। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा बनाया। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया पनीर की सब्जी। पनीर तो दिख ही रहा होगा, देख सकते हैं गाइस। ग्रेवी मैंने ज़्यादा नहीं डाला। इधर है पनीर की सब्जी और इधर है चावल। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पनीर की सब्जी बनाई है और कैसी बनी है। तो आप लोग कमेंट एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर अच्छा बना होगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, बुरा बना होगा तो सीख लेंगे, बुरा भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सो अभी चलते हैं खाने के लिए, टाइम हो गया। मैंने 10 बजे ही खाना बनाया, अभी 12 बज गया ऑलमोस्ट। तो अभी चलते हैं लंच करने के लिए। और गाइज, इधर में मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं और इधर में मैंने पूजा भी कर ली है। आप देख सकते हैं दीपक जल रहा है अभी, तो आप लोग भी भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए। और इधर में मेरे कपड़े धुल रहे हैं। सो अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। अभी फाइनली मैंने खाना निकाल लिया। इधर है सब्जी, जो कि पनीर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पनीर इसमें डूब गया है, वो सुसाइड कर लिया है डूब के। और इधर में चावल, ये है अचार, ये है नमक, और ये थम्सअप, ये है ग्लास। बनाते हैं ना सौरभ जोशी, ये है खाना। ये मैंने ले लिया दाल, पालक, सब्जी, ऐसे ही करता है वो। तो गाइज, मैं भी तो ऐसे ही करता, तो मेरा ब्लॉग क्यों नहीं देखते हो? अच्छा, उसके ब्लॉग में पीयूष है इसलिए ना। चलो, मेरे ब्लॉग में पीयूष नहीं है, बट मैं क्या ही कर सकता हूँ। बट मेरे ब्लॉग में एक बच्चा है राज, तो राज को भी देख लिया करो। राज थोड़ा एक्टिंग नहीं कर पाता है पीयूष के जैसा, लेकिन वो अपने जैसा करता है राज। तो सो अभी खाना फिनिश करके मिलते हैं आप लोगों से। सो कंटिन्यू जुड़े रहिए इस ब्लॉग में, काफ़ी ज़्यादा अभी आगे मज़ा आने वाला है। अभी अभी इंटरेस्टिंग टॉपिक बचा हुआ है, तो अभी आने वाला है। सो गाइस, अभी मस्त मेरा खाना पीना हो चुका है और कुछ देर तक रेस्ट करते हैं, फिर आगे का ब्लॉग आप शाम में ही हो सकेगा, कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि अभी अगर मैं बिस्तर पर आ गए तो समझ जाओ मैं सो जाऊँगा, तो आगे का ब्लॉग आप शाम में कंटिन्यू हो पाएगा। और जहाँ तक मैंने अभी शूट किया, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत एडिटिंग भी कर लूँ जहाँ तक अभी ब्लॉग बन चुका है, ताकि मेरे को रात में थोड़ा इजी हो जाए एडिटिंग करने में। तो सो मिलते हैं आप लोगों से सोने के बाद, शाम को 5 बजे आसपास मिलते हैं। अभी बज चुका है 5 और मैं सो गया था, तो सो के अभी मैं उठ चुका हूँ और मेरे कुछ सब्सक्राइबर मेरे से मिलने आए हैं, तो वेट कर रहे हैं छत पर। मैंने ही एक टाइमिंग बनाया था कि मेरे से जो भी मिलना चाहते हैं तो वो 5 बजे आ सकते हैं। तो कुछ आए हैं, एक दो देखते हैं कौन कौन आए हैं। तो अभी छत पे चलते हैं, सो मिल के आते हैं उन लोगों से। नहीं मिलेंगे तो शायद उन लोगों को बुरा लग जाएगा, इसलिए चलते हैं अभी मिल के आते हैं उन लोगों से। और ऐसा नहीं है कि मुझे मिलने का मन नहीं करता है मेरे सब्सक्राइबर आते तो मुझे और अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा प्राउड फील होता है। तो ऐसा नहीं कि मुझे मिलने का मन नहीं करता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मिलने
में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं। टाइमिंग पे आते तो कोई दिक्कत नहीं है, जो टाइमिंग मैंने बताया मिलने का उस टाइमिंग में अगर आते तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। ऐसे दिन में कभी भी आ जाते, ऐसे तो कल से आना थोड़ा कम हो गया, ऐसे दिन में कम से कम 10 लोग आते थे, 10 बार में अलग अलग लोग आते रहते थे, बेल बजाते रहते थे, थोड़ा परेशान हो जाते थे। तो एक मैंने टाइमिंग बना लिया कि 5 बजे आप मेरे से मिल सकते आके, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 बजे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सो अभी चलते हैं ऊपर में। सो गाइज, मेरे अभी सब्सक्राइबर आए थे, उन लोगों से मैंने मिल लिया और वो लोग अभी चले भी गए। और अभी सिर्फ राज है यहाँ पे, तो वो भी गया है थोड़ा नीचे। जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, राज आ रहा है गाइज, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। देख सकते हैं गाइज, राज आ गया है। तो कल कहाँ गया था? पारादीप गया था गाइज, और कल ये टेढ़े मेढ़े पार्टी किए हैं। मैं पार्टी करूँ ना क्या, सब्सक्राइबर मेरे लेके आए तो भाई मेरे खिलाया गया। कोई बात नहीं गाइस, मैं टेढ़े मेढ़े तो रोज ही खाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कल क्या क्या खाया था पारादीप में, इधर आके बोलो। गाइस कल मैं सिर्फ चाट खाया था, वो भी फुल प्लेट 60 रुपए का गाइस, बहुत टेस्टी था। पापा एक जगह लेके गए थे, बहुत टेस्टी चाट, पेट भर गया ना गाइस, फुल प्लेट। और सुबह आपको तो पता ही है, आपको पता ही है। और हवा चल रहा है बहुत तेज छत पे। बाकी अब क्या क्या जा रहा है, चला जाए नीचे चलते हैं। फूल तोड़ने जाना है तो फूल तोड़ने चलते हैं। और गाइस अगर हमें वो दोनों भी मिल गए तो, और गाइस भैया का सब्सक्राइबर घट चुका है तो किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया भाई, कौन किया है जल्दी से कमेंट में बताओ। चलो कोई बात नहीं, होता रहता सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब। सो अभी हम दोनों नीचे आ चुके हैं और जा रहे हैं फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह पूजा किया था, वो भी बिना फूल का पूजा किया था, तो मज़ा नहीं आया। तो अभी फूल तोड़ के लाऊंगा, उसके बाद शायद भगवान ने आपको श्राप दिया है, आपने बिना फूल बिना फूल के पूजा किए, इसलिए आपका 2 सब्सक्राइबर घटा दिए। सही बोला, सही बोला। लेकिन सब सब्सक्राइबर रात में ही अनसब्सक्राइबर, पूजा तो मैं सुबह में किया था ना। तो अभी हाँ, चलते हैं फूल तोड़ने, शायद कल कुछ गलत काम की होगी। इस फाइनली हम लोग नर्सरी के अंदर आ चुके हैं और भैया यहाँ पे फूल तोड़े पूजा की बहन के लिए, पूजा की बहन के लिए। और गाइस भैया का हाथ नहीं पहुँच पा रहा। गाइस मैं पूजा करने के लिए तोड़ रहा हूँ तो ये बोल रहा पूजा की बहन के लिए तोड़ रहा है। चलो चलते हैं उस तरफ। पॉज कर दो ना, फिर वहां स्टार्ट करना। सो गाइस भैया को फूल मिल चुका है, रेड कलर का फूल, तो लाल वाला है ये, और ये येलो कलर का, येलो। बस मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि भैया ज्यादा पूजा नहीं करते। ज्यादा फूल क्या करेगा, और लोगों के लिए भी, और भी लोग आते हैं तोड़ने के लिए ना, उन लोग के लिए भी बचा के रखो। हाँ ये भी ठीक है। कितना हुआ? देखो कितना सुंदर लग रहा है, अभी सुबह तक ये खिल जाएगा, सुबह मैं दिखाऊंगा। तो 2, 4, 4, 6, 6, 7, 3 फूल और तोड़ूंगा। बस 3 फूल, अभी हमें 3 फूल और चाहिए। चलते हैं देखते भैया कहाँ कहाँ से तोड़ के ला रहे हैं। और गाइस यहाँ पे बीच में नाली है, भैया अगर गिरे तो भैया की हड्डी टूटेगी। गाइस पैर कहाँ है भैया का, और भैया ने एक और तोड़ लिया। और अंदर चलो अभी जंगल में, चलो गाइस जंगल में चलते हैं, जंगल टूर देते हैं। गाइस मैं नहीं जा रहा जंगल टूर में, मैं क्यों डर लगता है गाइस। सो गाइस मैं डरपोक हूँ, मैं मानता हूँ मैं डरपोक हूँ। भैया जाएंगे आपको जंगल में लेके, और मैं बाहर ही वेट करूंगा भैया का। जाओ भैया, भैया अंदर जा चुके हैं, मेरे को डर लग रहा है। चलो अभी के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ। देखो भैया कहाँ पहुँच गए हैं, और भैया का हाथ भी नहीं पहुँच रहा। भैया का हाइट स्मॉल है और मेरा हाइट उच्च भी। ओके तो एक फूल ले लो, और देखते हैं भैया कहाँ से लिखे हैं। और भैया जंगल के अंदर घुस चुके हैं, देखो भैया का शकल नहीं दिख रहा। और भैया को फूल आखिरकार मिल गया, कितना सुंदर लग रहा है। देखो मैंने टोटल 10 फूल तोड़ा,
5 रेड वाला और 5 ये येलो कलर का तो नहीं, कौन सा कलर है मेरे को नहीं आ रहा, बताओ कौन सा कलर है ये? शायद मेरे को ऑरेंज लग रहा है, ठीक जो भी हो, बट मैंने 10 फूल तोड़ा, बस इतना काफी मेरे लिए। कल पूजा करने वाले भैया। अभी गाइज मैंने फाइनली फूल तोड़ लिया है और मैंने 10 फूल तोड़ा है, कल ही तोड़ा है, आई मीन कल सुबह तक ये खिल जाएगा। अगर मैं फूल तोड़ के लेके जाता तो फूल भाई सुबह तक मर जाता, तो इसलिए मैंने कल ही तोड़ लिया है। और आज सुबह मैं पूजा किया था तो ऐसे ही किया था, मेरे पास फूल नहीं था, बिना फूल का पूजा किया। तो सो अभी चलते हैं घर में और घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। यस यस। क्या कर रहे हो? गाड़ी है। किसके गाड़ी है? हमारा गाड़ी है। देखिए गाइस ये गाड़ी चोरी कर रही है। नहीं ये एक एक बंदी है जो कि मेरे बिल्डिंग में रहती है। तुम क्या कर रहे हो? और इसका फायदा हटाने की कोशिश। कहाँ है वो? देखो ये वो खुद चला जाएगा, दो मैं चलाता हूँ, चाबी ला। मेरे को चलाना ही नहीं आता है, पर मेरे भाई को आता है। इसको सो गाइज जब भी रात के बज रहे 10, उधर से आके मैंने ब्लॉग एंड करना भूल गया था, तो अभी मैं एडिटिंग करने के लिए जब आया तो मैं सोचा ब्लॉग तो एंड किया ही नहीं हूँ, तो अभी एंड कर रहा हूँ। आई होप आप लोग को ये मेरा प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, और जो हमारे चैनल पे नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इंस्टा का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर ले। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।